हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल आपका स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डीएमएल जो होता है आपका वो होता है स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो पहला डिफरेंस तो यही है आपका। दूसरा है इट इज यूज टू क्रिएट अपडेट डिलीट मॉडिफाई डेटाबेस स्ट्रक्चर बट नॉट डेटा। जबकि इसमें क्या है, इट इज यूज टू क्रिएट अपडेट डिलीट मॉडिफाई डेटाबेस डेटा बट नॉट डेटाबेस स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग क्या है, डीडीएल के थ्रू आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल आपको बनाना है, टेबल आप बना सकते हैं। उसमें आपको कॉलम क्रिएट करने हैं वो आप क्रिएट कर, रोल नंबर नेम ब्रांच ये आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें चेंजेस कुछ भी करने हो कॉलम में वो आप कर सकते हैं, बट इसके अंदर जो डेटा है वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते डीडीएल कमांड के थ्रू। जबकि डीएमएल में बोलता है कि इसके अंदर के स्ट्रक्चर में अगर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो अंदर का स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डीएमएल के अंदर आता है और बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो आपका डीडीएल में होता है। तो इसमें आप क्रिएट अपडेट मॉडिफाई डिलीट सब कुछ कर सकते हैं अंदर के सॉरी बाहर के स्ट्रक्चर को, बट इसमें आप डेटा में चेंज करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इट बेसिकली डिफाइन द कॉलम एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल। ये मेनली आपका डील करता है कॉलम पे, कॉलम को डिफाइन करना है, इनको डिफाइन करना है। इट एड और अपडेट द रो ऑफ द टेबल, दीज रो आर कॉल्ड एज अ टपल। इसमें आपको अपडेट करनी है टेबल, नया कॉलम आपको एड करना है, इसमें अपडेट करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। रो को चेंज करता है, जिसे दीज रो आर कॉल्ड एज अ टपल। डीडीएल डज नॉट हैव अ फर्दर क्लासिफिकेशन। डीडीएल के थ्रू आपका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, मीन्स पास फर्दर सब पार्ट्स में आप तोड़ नहीं सकते डीडीएल को। जबकि डीएमएल इज फर्दर क्लासिफाई एज अ प्रोसीजर डीएमएल एंड नॉन प्रोसीजर डीएमएल। आपके दो टाइप की डीएमएल कमांड होती है, प्रोसीजर होती है प्रोसेस के फॉर्म में, एक नॉन प्रोसीजर फॉर्मेट में भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। नेक्स्ट, डीडीएल कमांड इज यूज टू क्रिएट दी डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है, स्कीमा आपको क्रिएट करना है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं डीडीएल कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू। डीएमएल कमांड इज यूज टू पॉपुलेटेड एंड मैनिपुलेटेड डेटाबेस। डेटाबेस को मैनिपुलेट करना है, पॉपुलेट करना है, तो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू डीएमएल कमांड के थ्रू। नेक्स्ट, डीडीएल स्टेटमेंट कैन नॉट बी रोल बैक। अब देखिए रोल बैक का मीनिंग होता है आपने कुछ यहाँ क्रिएट किया, इसके बाद रोल बैक करें तो वो आपने पुरानी, मान लो आपने नया कॉलम इसमें ऐड किया, मान लीजिए यहाँ पर एड्रेस ऐड किया, अब आप रोल बैक करें तो ये एड्रेस आपका रिमूव नहीं होगा। तो डीडीएल में आपका रोल बैक की कंडीशन नहीं होती है, जबकि डीएमएल में आपने कोई एक रो एंटर करी यहाँ पर 4XCS और मैंने एड्रेस यहाँ पर वाई दे दिया, अब आप रोल बैक करेंगे तो ये रिमूव हो सकती है यहाँ से, दोबारा से वो अपने प्रीवियस कोड पे जा सकता है, वो डीएमएल में हो सकता है आपका। तो डीएमएल पे आपका रोल बैक की कंडीशन चलती है, बट डीडीएल में आपका रोल बैक की कंडीशन नहीं होती है। डीडीएल डज नॉट यूज वेयर क्लॉजेस इन इट्स स्टेटमेंट। इसमें वेयर स्टेटमेंट आपके नहीं आते, जबकि डीएमएल में आपका वेयर क्लॉजेस आपके यूज होते हैं, जिसके थ्रू आप कंडीशन राइट अप करेंगे। डीडीएल इज अ डिक्लेरेटिव होता है और ये डीएमएल जो है वो इंपरेटिव है आपका। ये डिक्लेरेटिव होता है, पहले से ही डिक्लेयर फॉर्मेट है आपका, और ये इंपरेटिव फॉर्मेट है, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं इंपरेटिव फॉर्मेट में। डीडीएल स्टेटमेंट अफेक्ट द होल टेबल। इसमें अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो पूरी टेबल इफेक्ट होती है, जबकि इसमें एक रो इफेक्ट होगी, रो या टपल जिसे हम टपल भी बोलते हैं, वो इफेक्ट होगा आपका डीएमएल में। बेसिक कमांड प्रेजेंट इन डीडीएल इज क्रिएट करना है टेबल, ड्रॉप करना है टेबल को, रिनेम करना है, ऑल्टर के थ्रू आपको नया कॉलम ऐड करना है, नए कॉलम को रिमूव करना है किसी कॉलम को, तो वो कमांड आप राइट अप कर सकते हैं डीडीएल। ये सारी आपकी डीडीएल की कमांड होती है, जबकि आपकी डीएमएल की कमांड होती है आपकी, आपको अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, मर्ज करनी है फील्ड को, सेलेक्ट करना है डेटा, वो सारी कमांड आपकी किसके अंदर आती है, वो कमांड होती है आपकी डीएमएल कमांड के अंदर। तो ये डिफरेंस है आपका डीडीएल एंड डीएमएल में। इसके अलावा अगर आपको और डिफरेंस लिखना है तो एक एग्जांपल लिख लीजिए, आप क्रिएट की सिंटैक्स लिख दीजिए। तो क्रिएट का हम सिंटैक्स लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे आप, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम आप लिख देंगे यहाँ पर, स्टूडेंट लिख देते हैं, देन फील्ड आपको ऐड करनी है, नेम आपने दिया, इसको हम लोग वेयर कैर कर देंगे, वेयर कैर 50, देन इसी टाइप से आपको ब्रांच देना है, ब्रांच को भी आप वेयर कैर कर दीजिए, वेयर कैर 20, एंड इसको आप एग्जीक्यूट कर देंगे, तो ये आपकी क्रिएट टेबल की होगी। इसी टाइप से यहाँ पर आपको एग्जांपल लिखना है, मान लीजिए आप इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू टेबल आपने स्टूडेंट ही बनाई थी, स्टूडेंट, देन
नेम आपने ले लिया पहली फील्ड नेम कॉमा ब्रांच, देन इसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे वैल्यूज, एंड वैल्यूज आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेम आपने दिया है पर कमल पहली वैल्यू और आईडी आपने दे दिया, तो ये इस टाइप से आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोसेस। तो डीडीएल आपके स्ट्रक्चर को पूरे को चेंज करता है, डीएमएल आपका डेटा में वर्क करेगा। तो ये डिफरेंस है आपके डीडीएल एंड डीएमएल में। थैंक यू स्टूडेंट।